चाकूबाजी विवाद के बाद जिस दिन से राजस्थान का उदयपुर सुलग उठा था, आखिरकार उस छात्र का अंतिम संस्कार हो गया। मंगलवार की सुबह पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद छात्र देवराज का शव परिजनों को सौंपा। इसके बाद परिजनों ने अशोक नगर मोक्ष धाम पर अंतिम संस्कार किया। देवराज को उसके पिता और चचेरे भाई ने मुखाग्नि दी। जिस वक्त छात्र की अंतिम यात्रा निकल रही थी, उस दौरान शहर के सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। अंतिम संस्कार के दौरान नारेबाजी होती रही, लोगों ने अमर रहे के नारे लगाए। वही पुलिस ने तनाव को देखते हुए आज रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। सुरक्षा को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। उदयपुर को एहतियातन अलर्ट पर रखा गया है। बता दें कि 16 अगस्त को चाकूबाजी की घटना में छात्र देवराज गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जिसने सोमवार को अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक छात्रों के बीच लंच टाइम पर स्कूल के बाहर झगड़ा हुआ था और वहीं चाकूबाजी हुई। इस झगड़े ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। आरोप है कि उसी क्लास के एक लड़के ने देवराज पर चाकू से हमला किया, जिसमें वो घायल हो गया था। वहीं सरकारी स्कूल के बाहर हुई चाकूबाजी को लेकर शहर के हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिला। घटना के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और बाजार बंद करवा दिए गए। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की मांग है कि आरोपी छात्र को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। वहीं सोमवार को छात्र की मौत के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि प्रशासन के आश्वासन देने के बाद मंगलवार को छात्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।